वसुधैव कुटुंबकम, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत बदला है आज अपने विकास के लिए। भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। जब विरासत साझा होती है, जब मानवता के प्रति आस्था समान होती है, तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। चैलेंज 2023 भारत अध्यक्षतार G20 विश्व एवं घड़ी मुहूर्त दे गति कर रूस युक्रेन युद्ध में यूरोप महादेश थरुची भीषण क्षयति सत्वे रूस युक्रेन उपरे प्रचंड आक्रमण जारी रखि बेले ए क्षेत्र में जातिसंघर असहायता यार दुर्बलता को प्रतिपादित करुची। अन्यपक्ष ताइवान प्रसंग को नहीं आमेरिका और चीन मध्य उत्तेजना देखाई युद्ध जो विश्व में खाद्य ईंधन और सार जोगाण क्षेत्र में समस्या बढ़ी एभली स्थित विश्व में अर्थनैतिक मांदावस्था जलवायु परिवर्तन जनित समस्या आतंकवाद आदि विश्वपी मुंडविधार कारण पलटि एभली समय G20 भली गुरुत्वपूर्ण संगठन अध्यक्षता दायित्व भारत ग्रहण कर इंडोनेशिया परे भारत हाथ को यह दायित्व आसी G20 भली गुरुत्वपूर्ण संगठन अध्यक्षता भारत करुची शक्तिशाली संगठन नेतृत्व वर्ष तमाम नुआ नुआ आह्वान देशव्यापी हेबो पाखापाखि 200 बैठक भारतर वर्षव्यापी G20 अध्यक्षता अवधि समावेशी उच्चाभिलाषी निर्णायक एवं कार्य संपादनमूलक हेबो गण विध्वंसकारी अस्त्रशस्त्र जो प्रतियोगिता चली बंद करने लगी अवसर में आलोचना हो प्रधानमंत्री उपरोक्त आह्वान गुड़िकर मुकाबिला सहित विश्व में शांति प्रतिष्ठा एवं अंतर्भुक्तिकरण आर्थिक प्रगति हासिल दिगरे भारत की पदक्षेप नेब ता भारत पर बड़ आह्वान हो G20 बा ग्रुप ऑफ 20 G20 किंवा ग्रुप ऑफ 20 हेउची विश्वर प्रमुख विकसित तथा विकासशील अर्थनीतिर एक आंतः सरकारी फोरम एथिरे 19 देश जथा आर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजिल कानाडा चीन फ्रांस जर्मनी भारत इंडोनेशिया इटाली जापान रिपब्लिक ऑफ कोरिया मेक्सिको रूस साउदी अरब दक्षिण आफ्रिका तुर्की ब्रिटेन आमेरिका समेत यूरोपीय संघ अंतर्भुक्त G20 भारत भूमिका सामूहिक भाव में G20 विश्वर GDP 85% आंतर्जातीय वाणिज्यर 75% एवं विश्व जनसंख्यार 2/3 अटे यह अंतर्जातीय अर्थनैतिक सहयोग पर एक प्रमुख प्लाटफर्म भाव में परिणत करे। भारत वर्तमान G20 ट्राइको जो वर्तमान अतीत एवं आगामी G20 एक अंश एथिरे इंडोनेशिया इटाली एवं भारत अंतर्भुक्त आंतर्जातीय संगठन समर्थन G20 सदस्यों व्यतीत G20 प्रेसिडेंसी किसी अतिथि देश तथा अंतर्जातीय संगठन आयोग को G20 बैठक एवं सम्मेलनी को निमंत्रण करिबार परंपरा रही नियमित अंतर्जातीय संगठन जातिसंघ IMF विश्व बैंक WHO WTO ILO FSB एवं OECD एवं आंचलिक संगठन AU AUDA नेपाड एवं एशियन मुख्यों व्यतीत भारत में बांग्लादेश इजिप्ट मॉरीशस नेदरलैंड नाइजेरिया ओमान सिंगापुर स्पेन एवं संयुक्त आरब एमिरेट्स को निमंत्रण करा जिवो। भारत में बड़ आयोजन भारत चलित वर्ष 8-10 सेप्टेम्बर पर्यंत राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन आयोजन कर 1 December 2022-30 November 2023 पर्यंत G20 समिट अध्यक्षता भारत नेतृत्व में चली अध्यक्षता समय में भारत 200 अधिक G20 बैठक आयोजन कर ग्रुप ऑफ 20 बा G20 सम्मेलन वर्ष तमाम भारत में अनुषित होती विश्वर प्रमुख 20 सदस्य राष्ट्र समेत मोट 54 देशर अर्थमंत्री एवं बैंक गवर्नर जोग देउछन्ती जेउथिरे अर्थनैतिक विषय चर्चा होगा सह समाज विभिन्न क्षेत्र विकास पर तथ्य रखा। G20 उन 20 देशों का समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है।
और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के अमृतकाल में देश के सामने ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है, उसका गौरव बढ़ाने वाली बात है। और मुझे खुशी है कि G20 समिट को लेकर भारत में होने जा रहे इससे जुड़े आयोजनों को लेकर उत्सुकता और सक्रियता लगातार बढ़ रही है। G20 रे ओडिशा ओडिशारे पुरी कोणार्क एवं भुवनेश्वर तीनोटी स्थान रे G20 समावेश सम्मेलनी अनुष्ठित हेबो। शिक्षा शक्ति एवं संस्कृति उपरे एहि सम्मेलनी रे ओडिशा तार वार्ता एवं प्रस्ताव रखिबो। आसंता वर्ष तमाम भारत वर्ष रे आयोजित हेबाकु जाउथिबा G20 सम्मेलनी रे सारा विश्व को शिक्षा शक्ति एवं संस्कृति रो सफल वार्ता पहुंचाइबो भारत वर्ष। एहि सम्मेलनी रे अध्यक्षता करिबार गौरव पाइथिबा भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नेतृत्व रे भारत विश्वगुरु हेबार स्वप्न को साकार करिबो एवं एथिरे ओडिशा प्रमुख योगदान रहिबो। ओडिशार प्राचीन संस्कृति गारिमामय इतिहास वैभवशाली परंपरा प्राचुर्यमय ऐतिह्य एवं कला खाद्यपेय वेशभूषा को विश्व दरबार में पहुंचाइबा G20 सम्मेलनी ओडिशावासी को पाई एक अपूर्व सुजोग आनी। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत की सोच और सामर्थ्य से भारत की संस्कृति और समाज शक्ति से विश्व को परिचित कराएं। ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का ज्ञानवर्धन करें। जिस तरह हम सदियों और सहस्राब्दियों से जय जगत के विचार को जीते आए हैं, आज हमें उसे जीवंत कर आधुनिक विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। हमें सबको जोड़ना होगा, सबको वैश्विक कर्तव्यों का बोध कराना होगा। केंद्र शिक्षा मंत्रालय रो बड़ प्रयास G20 एक बड़ मंच, एथिरे शिक्षा शक्ति एवं संस्कृति उपरे ओडिशा एहर वार्ता एवं प्रस्ताव रखिबा को जाउची। एथिपाई जनजागरण एवं भागीदारी बेस जरूरी। राज्यर समस्त छात्र छात्री शिक्षानुष्ठान बुद्धिजीवी तथा साधारण जनता को एभली मंच सह जोड़ीबार दायित्व केन्द्र शिक्षा मंत्रालय। एने केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मार्गदर्शन में प्राय एक मास धरी ओडिशार विभिन्न स्थान में G20 सम्बन्धी जनसचेतनता कार्यक्रम आयोजन करा उत्कल दिवस राज्य में आरंभ हो G20 जनभागीदारी कार्यक्रम में ओडिशार 35 अधिक शिक्षानुष्ठान अंशग्रहण कर G20 को जनभागीदारी आंदोलन में परिणत करिबा एही कार्यक्रम उद्देश्य। पुरी कोणार्क एवं भुवनेश्वर को जानिबो सारा विश्व। ओडिशारे पुरी कोणार्क एवं भुवनेश्वर तीनोटी स्थान में सम्मेलनी अनुष्ठित हेबो। इंडोनेशिया बाली में अनुष्ठित होइतिबा G20 सम्मेलनी में भारत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदीजी ओडिशार बालीयात्रा प्रसंग उठाई विश्व मानचित्र राज्य को एक स्वतंत्र स्थान में पहुंचाई। तेणु राज्य में होगा तीनोटी सम्मेलनी मध्यम ओडिशार जनता राज्यर गौरवमय संस्कृति प्राचीन शिक्षा पद्धति एवं विविध शक्तिर विकास वार्ता पहुंचाइबा को तत्पर होवार समय आसी बुद्धिजीवी मत देखते। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।